सभी का स्वागत है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से वहां स्थितियां काफी खराब होती जा रही हैं। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों के साथ 46 सिख समेत 78 लोग मंगलवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले अफगान से गुरु ग्रंथ साहिब सिर पर रख काबुल एयरपोर्ट का 10 किलोमीटर का सफर खौफ के बीच पूरा किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली एयरपोर्ट पर काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप ग्रहण करने पहुंचे। पुरी ने पूरे अदब के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति अपने सिर पर लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। 3 तस्वीरें जहां पर स्वागत की तैयारियां जोर शोर से की गई। उसके बाद हरदीप सिंह गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर रखकर सम्मान के साथ अदब के साथ लेकर बाहर निकले एयरपोर्ट से। और गुरु ग्रंथ साहिब की ये प्रतियां तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे, जिनको गुरुद्वारे में रखा जाएगा। काबुल से मिशन वतन वापसी जारी है। अफगान से 78 लोगों को भारत लाया गया है और अफगान सेल करके एक ऐप है जहां पर लोग अपनी जिनको भी भारत आना है वो लोग वहां पर जाकर कनेक्ट कर पा रहे हैं, कांटेक्ट कर पा रहे हैं और ऐसे लोगों को लाया जा रहा है भारत। और हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ी बात भी कही थी अपने बयान में भी कि जो भी लोग भारत आना चाहते हैं उनका स्वागत किया जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा। और बिलासपुर से खबर